Parmanu, the Story of Pokhran gives an insight into how India achieved becoming a global nuclear superpower. An untold story sincerely presented. The movie made it to the theaters today. Let's check out how the audiences have responded to this patriotic film. Actually, mere ko ye movie zyada script oriented lagi aur because ye ek real story pe based thi, is wajah se movie bahut zyada achhi hai. Other than that, John ne jis tarike se role ko carry kiya, it was really good. नहीं रोमांस डायना और जॉन का कोई भी रोमांटिक पार्ट नहीं है मूवी में इट्स टोटली लाइक अबाउट यू नो टोटली अबाउट द कंट्री इट वाज अ गुड मूवी नेशनल थीम पे बनी थी सो वन मस्ट वॉच इट टू बी लाइक एंड न्यूक्लियर थीम इट वाज क्वाइट अ हिस्ट्री दैट पीपल माइट नॉट हैव नोन तो इट वाज लाइक हिस्ट्री में क्या हुआ एंड ऑल दैट तो नोइंग दैट इज अ गुड थिंग बहुत मुश्किल रहा होगा मैंने सोचा कैसे मतलब पास्ट को ऐसे प्रेजेंट में उतारना इतना बढ़िया पोखरण जब हुआ था देन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज 98 में मैं पढ़ रही थी और अभी इतना बढ़िया उसको बिल्कुल हाँ फिल्म आया गया बहुत अच्छी मूवी तो आपको देख के एक प्राउड फीलिंग हुआ अपने कंट्री के लिए तो एक बार मस्ट वॉच देखना चाहिए काफ़ी अच्छी मूवी है बेटर मूवी का मूवी बहुत अच्छी थी नेशनलिज्म कुट कुट के भरा पड़ा है एंड इंटेंस है मूवी सीरियसनेस है एक्शन सीन्स इतने ज़्यादा नहीं है बट जितना थोड़ा बहुत है पिंच है कॉमेडी बहुत अच्छा है मूवी का लाइक यू लाफ अ लॉट एंड जब एंड इसमें दिखाया गया है कि वी इंडियंस कैन आउटस्मार्ट एनीवन लाइक इवन अमेरिकन ऑल्सो सो जब आप देखोगे ना आपको ऐसा नेशनलिस्ट वाला फीलिंग आएगा सो इट्स नॉट अ वन टाइम वॉच यू कैन वॉच इट अगेन ऑल्सो एंड नाउ लेट्स चेक द स्टार रेटिंग द मूवी रिसीव्ड Out of 5, I'll give 4.5. 4. 4 and a half. मैं पूरे 5 स्टार देना चाहूंगा मुझे बहुत पसंद आया 3.5. Overall, the film is worth a watch for the unsung heroes of the day. If you have watched the movie too, tell us what do you feel about the movie. RENS Report.